हेलो फूडीज, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी सालेहा इमरान और आज फूड हंटर ऑफिशियल आपको लाया है लियाकताबाद। और लियाकताबाद आज हम ट्राई करेंगे लियाकताबाद की मशहूर बीफ चाप, जो कि आपको पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेगी। अब हम देखेंगे इनकी बीफ चाप की मेकिंग। तो here we go guys। मसाले इसमें यूज़ कर रहे हैं और बीफ कौन सा यूज़ करते हैं? बीफ हम इसमें बछिया का इस्तेमाल करते हैं, ताज़ा फ्रेश एकदम बिल्कुल। जो ये हमारे मसाला लगाते हैं वो अपना लगाते हैं इसमें मसाला जी। और इसमें ज़्यादा बाहर का कोई कंटिन्यू नहीं होती मसाले की ना, इसमें सब हमारी अपनी रेसिपी होती है ये। अच्छा, और मसाले में बताएंगे आप इसमें मसाले, मतलब कुछ मसाले में इसमें अदरक लहसुन है, पपीता है, दही है और बाकी कचरी सौंठ वगैरह डलती है इसमें, हमारा अपना गरम मसाला होता है। अच्छा, वो आपका सीक्रेट मसाला होगा? जी हाँ, यकीनन हमारा ही। अच्छा, अपना इसमें कोई वेट वगैरह का भी होता है? इसमें वेट का भी मसाला है इसमें। अच्छा। जैसे ये आधा किलो से ऊपर का पीस है हमारे पास। अच्छा, और ये आधा किलो से कम का पीस है। अच्छा, कम से कम ये 400 ग्राम है। अच्छा, ये 350 ग्राम का पीस। अच्छा, तो प्राइसेस भी इसमें प्राइसेस होते हैं? जी हाँ, प्राइसेस भी अलग अलग होते हैं इसके अंदर, ये वेट के हिसाब से पीस। जी हाँ, चलिए जी, थैंक यू। तो गाइस, हमने देखा कि ये बहुत अच्छा सा बीफ टेंडर सा मसाले लगा रहे हैं और अब हम देखेंगे कि ये किस तरह इसको जो है वो बारबेक्यू करते हैं और देखेंगे हम और इंजॉय करेंगे इसको, ट्राई करेंगे। ओए हो गाइस, यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं बड़े ही ज़बरदस्त से धुएँ उठ रहे हैं और यहाँ पर बड़ा ही कोई जूसी सा डिलीशियस सा बारबेक्यू बन रहा है और हमारी चाप भी लग गई है और अब हम इसको इंजॉय करेंगे। तो गाइज, अब हमारा आ गया है ऑर्डर और अब मैं ट्राई करूँगी ये डिलीशियस सी बीफ चाप, जो बड़ी ही कोई टेंडर सी लग रही है, जूसी सी लग रही है और बहुत ही नरम सी है ये और बहुत अच्छा इसका टेस्ट लग रहा है। इसके साथ इन्होंने हमें सर्व करे हैं पराठे और बहुत ही मज़ेदार और चटकारेदार सी चटनियाँ इन्होंने हमें सर्व करी हैं और अब मैं करूँगी इसको ट्राई। तो अभी मैं आपको रिव्यू देती हूँ ट्राई करके। बहुत ही कोई मज़ेदार सी चटनियाँ लग रही हैं, बहुत ही चटकारेदार और अब मैं इसको करने वाली हूँ इंजॉय। बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका इसका, बहुत ही जूसी सा है, टेंडरी है, ये देख सकते हैं आप कि बहुत नरम सा है, हाथ लगाएं तो ये टूट रहा है इस तरह से, बहुत ही जूसी भी है और इसमें मसाले के फ्लेवर बहुत अच्छे हैं और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ उसको। आप भी आएँ अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय करें। गाइस, अब हम बात करेंगे इनके ऑनर से और इनसे पूछेंगे इनकी हिस्ट्री कि ये कितने साल पुरानी शॉप है और इनका और इनके बारे में पूछेंगे कि ये कब से हैं यहाँ पर लियाकताबाद में और इनकी बीफ चाप कब से मशहूर है, ये सब इनसे पूछेंगे और आइए इनसे ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अहसान। अच्छा सर, तो आप हमें बताएं कि आपकी शॉप यहाँ पर कितने साल से है? यहाँ तकरीबन हो गए 25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं आपको? अच्छा, तो मैंने तो ट्राई करा और आपकी बीफ चाप तो बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही मज़े की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है और आप भी कुछ इसके बारे में बताएं। माशाल्लाह से बीफ चाप आपको पूरे कराची में कहीं भी नहीं मिलेगी, लियाकताबाद की मशहूर बीफ चाप है। लियाकताबाद 10 नंबर में शॉप है, माशाल्लाह हमारी फैमिली बैंक्वेट बना हुआ है एक आर्टिसन के साथ और माशाल्लाह बीफ चाप आपको पूरे कराची में नहीं मिलेगी, इसकी मैं गारंटी दे दूँ, ऐसा जायका कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, ये तो है, मैंने इसको ट्राई करा है तो ये चीज़ मैंने कहीं पूरे कराची में ना देखी है और ना ही ट्राई करी, आज पहली बार मैंने लियाकताबाद में ट्राई करी है। अच्छा, और सबसे बड़ी और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो है इनका फैमिली हॉल भी है, जो कि ऊपर के एरिया पे इन्होंने फैमिली बैंकेट बनाया हुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ आके इंजॉय करें, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का।
गाइस आप भी आएँ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इंजॉय करें। ओवरऑल रिव्यू मैं दूंगी कि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर आएँ इंजॉय करें। भाइयों आना तो बनता है, तो आइए लियाकताबाद यूनाइटेड चिकन बार और इनका ट्राई करें फेमस बीफ चाप। तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।